हेलो एवरीबॉडी, रशिया यूक्रेन वॉर को 2.5 साल से ज्यादा होने को है और जो भी चीजें यहां पर हो रही हैं वो थमने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रही हैं। वैसे इस वॉर को सिर्फ रशिया और यूक्रेन तक देखना गलत है क्योंकि यहां पर कई सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व्ड हैं। एक तरफ नेटो कंट्रीज हैं, वेस्ट है पूरा, तो दूसरी तरफ ईस्टर्न कंट्रीज भी हैं और सबकी अपनी इंटरेस्ट है यहां पर, और अक्सर इन्हीं इंटरेस्ट के लिए कई बार वेस्टर्न मीडियाज इन फैक्ट्स एंड इवेंट्स को जानबूझकर मैनिपुलेट करती है, क्योंकि अक्सर वेस्ट को ये लगता है कि जो उनके लिए ठीक है वो पूरी दुनिया के लिए ठीक होगा और जो उनकी प्रॉब्लम है वो पूरी दुनिया की प्रॉब्लम होनी चाहिए। और हाल ही कई सारे वेस्टर्न मीडिया हाउस, स्पेसिफिकली अमेरिकन मीडिया ने इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। कहा है इंडिया ने वेपन सेंड किया है यूक्रेन में, दैट एम्यूनेशन फ्रॉम इंडिया इंटर्स यूक्रेन, जबकि ये हकीकत और वास्तविकता से दूर है। और अचानक से ऑल ऑफ सडन वेस्टर्न मीडिया ये सारा सवाल क्यों उठाने लगा, क्या इसके पीछे इंटरेस्ट है, इन सब चीज को समझने की कोशिश करेंगे। बट बिफोर दैट आई वेलकम यू टू श्रीराम साईएस, एन इंस्टीट्यूट सर्विंग द नेशन सिंस 1985। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड दिस चैनल सो फार, डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट रिगार्डिंग वर्ल्ड अफेयर्स। और दोस्तों, हम आपके लिए काफी सारे अच्छे क्वालिटी के कंटेंट्स लेकर आ रहे हैं और बहुत कुछ यहाँ पर आपको सीखने को मिलता है, तो इसके लिए आप श्रीराम साईएस के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी और जुड़ जाइए इस फैमिली के साथ। दोस्तों, रिसेंटली कई सारे वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स ने कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश किए हैं विद रेस्पेक्ट टू इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट और कहा है कि इंडिया ने यूक्रेन को असला बारूद प्रोवाइड करवाया है लार्ज स्केल में। हालांकि इस रिपोर्ट को इंडिया ने कंप्लीटली रिजेक्ट किया है एंड इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस रिपोर्ट को स्पेकुलेटिव एंड मिसलीडिंग कहा है। मतलब ये पूरा रिपोर्ट एक झूठ है, इसे गलत तरीके से पेश किया गया है यहां पर वेस्टर्न मीडिया के द्वारा। और देखो, ये सारी चीजें बेवजह नहीं हो रही हैं, क्योंकि रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विजिट करने वाले हैं यूनाइटेड स्टेट्स बिकॉज ऑफ फोर्थ क्वाड लीडर समिट इन वेलिंगटन, एंड प्राइम मिनिस्टर विल आल्सो एड्रेस द समिट ऑफ यूएनजीए जो कि इस महीने के लास्ट के तरफ होने वाला है। तो यहां पर कई सारे डेवलपमेंट सामने आएंगे और ये खास करके वेस्ट जानता है और वेस्ट ये कोशिश करना चाहता है कि कैसे भी करके इंडिया और रशिया के बीच में थोड़ी सी दूरी आ जाए, थोड़ी खटास आ जाए और यहां रशिया को प्रवोक किया जाए अगेंस्ट इंडिया। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि इस मीटिंग को अटेंड करने के ठीक बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी जाने वाले हैं ब्रिक्स मीटिंग को अटेंड करने के लिए रशिया में। और इस बार कई सारे डेवलपमेंट सामने आने वाले हैं स्पेसिफिकली ब्रिक्स मीटिंग के बाद, तो ये अपने आप में काफी हिस्टोरिक होने वाला है और वेस्टर्न मीडिया स्पेसिफिकली वेस्टर्न कंट्रीज ये जानती है कि ब्रिक्स कंट्रीज का क्लोजनेस खास करके उनके इंटरेस्ट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इंडिया अपने नॉन अलाइनमेंट डिप्लोमेटिक स्टैंड पर आज भी कायम है, क्योंकि हम किसी भी पावर ब्लॉक के तरफ में झुकाव नहीं रखते हैं। हालांकि इन सब के बावजूद इंडिया और रशिया का जो रिलेशनशिप है वो काफी ज्यादा स्पेशल रहा है सिंस डिकेड्स। और देखो, अब जब हम बात करते हैं अपने डिफेंस एक्सपोर्ट के बारे में, तो डेफिनेटली हम यूरोपियन कंट्रीज को अपने वेपन्स और खास करके एम्यूनेशन एंड सेल्स बेचते हैं, बट अब हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि एक्चुअली इन सब का इस्तेमाल कैसे हो रहा है और कहां पे हो रहा है, क्योंकि कल को हो सकता है कि कोई वेपन्स या कोई लेट्स से एम्यूनेशन वगैरह किसी एक कंट्री के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा हो और अगर वॉर कंडीशन में हमें ब्लेम किया गया हो कि भाई आपने वेपन्स प्रोवाइड किया है या आपके वेपन से ये हमला हुआ है, तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा हमारे लिए। तो एक्चुअली में इसका जो एंड यूजर्स है इसको ट्रैक करना काफी जरूरी होता है। लेकिन देखो, ये सारी चीजें वहां पर ठीक है अगर हम कोई बड़े वेपन्स लेट से मान लो कल को हम किसी मिसाइल को लाइक ब्रह्मोस हो गया या फिर तेजस जैसा हमारा जो एयरक्राफ्ट अगर हम उसे बेच रहे हैं किसी कंट्री को, तो उसे ट्रैक कर पाना तो आसान होता है। लेकिन अगर लाखों की संख्या में एम्यूनेशन एंड सेल्स जिसे मैन्युफैक्चर किया जाता है और वो अगर सेल किया जा रहा है, तो उसको ट्रैक करना, उसके एंड यूजर को ट्रैक करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो ये सारी चीजें यहां पर हमें समझनी पड़ेगी। और देखो, मैं आपको एक चीज समझाता हूं, एक्चुअली कोई वॉर अगर बहुत लंबे समय तक स्ट्रेच हो रहा है, जैसे हमने रशिया और यूक्रेन के केस में देखा है कि अबाउट 2.5 साल से ज्यादा हो गया इस वॉर को चलते हुए, तो यहां पर क्या होता है कि कंटिन्यूसली डिमांड रहता है कि ज्यादा से ज्यादा आर्म्स एंड एम्यूनेशन उन्हें जरूरत पड़ती है। तो इस केस में मान लो शॉर्टेज जब होता है, तो फॉर एग्जाम्पल रशिया कहां से लेता है, तो रशिया के केस में क्या है कि ईरान से उन्हें काफी ज्यादा सस्ते रेट में बहुत सारे वेपन्स
स्पेसिफिकली बात कर लो ड्रोन्स हो गया, मिसाइल्स हो गया, तो ये सारी चीज़ें उन्हें मिल जाती हैं। और कई बार तो नॉर्थ कोरिया भी बहुत सारे अपने वेपन्स एंड ड्रोन्स को प्रोवाइड कर देता है रशिया को, तो वो सारी चीज़ों का इस्तेमाल करता है रशिया कई बार। एंड इवन रशिया अपने आप में एक ह्यूज कंट्री है, राइट? तो जब हम बात करते हैं रशिया के केस में, तो उनके पास में अपना जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अच्छे खासे अमाउंट पे हो जाता है। लेकिन दूसरे केस में जब हम यूक्रेन को देखते हैं, तो यूक्रेन को मेजरली क्या है ना कि सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। और उस केस में क्या है कि कई सारे यूरोपियन कंट्रीज जो उनके पास वेपन्स है तो वो प्रोवाइड करते हैं स्पेसिफिकली यहां पर यूक्रेन को, और हम यहां पर ना कई सारे वेपन्स प्रोवाइड करते हैं, वेपन्स नहीं बल्कि एम्यूनेशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, आप ऐसे कह सकते हो, सेल्स प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज हो गई, स्पेसिफिकली एग्जाम्पल ले लो इटली को। तो उस केस में क्या है ना कि अब ये इटली वगैरह क्या है कि प्रोवाइड कर दे रहे हैं, काफी ज्यादा हेल्प कर देते हैं या फिर डोनेट कर देते हैं काफी ज्यादा यहां पे एम्यूनेशन वगैरह यूक्रेन को, तो उस केस में यहां पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा हो। अब देखो वेस्टर्न कंट्रीज ना इस चीज को जानबूझकर ब्लेम कर रही है इंडिया को, राइट? तो इसका इस्तेमाल किया, देखो ओवरऑल ये 5-6 महीना पहले का अपडेट है, लेकिन इसे अभी जानबूझकर पब्लिश इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये हाईलाइट में है, क्योंकि इसके ऑब्जेक्टिव को समझो आप, रिसेंटली जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी जियोपॉलिटिकल चेंजेस हो रहा है, तो यहां पे वो इंडिया को घेरना चाहते हैं स्पेसिफिकली, खास करके विद रिस्पेक्ट टू रशिया, और रशिया और इंडिया के बीच में कहीं ना कहीं चाहते हैं कि थोड़ा सा यहां पर उनके रिलेशन में दरार आ जाए, लेकिन ये होने वाला नहीं है फिलहाल के लिए। और कंटिन्यूअसली ये वॉर ना बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई होते जा रहा है, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा कि यूक्रेन ना एक बहुत लार्ज स्केल पर अटैक किया है रशिया के त्वर वाली रीजन में। और देखो यहां पर ये इतना ज्यादा इंटेंसिफाई इसलिए था क्योंकि ये एक वेपन डिपोट था रशिया का, और जब यहां पर अटैक हुआ ना तो ऐसा समझ लो कि आसपास के जो गांव है, तो यहां पर अगर हम रशियन स्टेट मीडिया की माने तो एक गांव है दैट इज टोरोपेट्स, तो टोरोपेट्स को यहां पर बिल्कुल ही इवैक्यूएट कराया गया इमरजेंसी में, क्योंकि जो विस्फोट था ये बहुत बड़ा था, यहां पर अटैक किया गया एक्चुअली, राइट? तो अब इसके बाद रशिया क्या कदम लेने वाला है, ये आप ऐसा समझ लो कि ये वॉर एक्चुअली ना न्यूक्लियर एरा तक पहुंच सकता है, न्यूक्लियर तक पहुंच सकता है, एंड इसका पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गया है कि कल को रशिया, देखो आज के वक्त में ना रशिया बहुत बौखलाया हुआ है, क्योंकि जो कुछ भी नेटो रिसेंटली कर रहा है, क्योंकि नेटो कंटिन्यूअसली यूक्रेन को ना आपका लॉन्ग रेंज मिसाइल हो गया या फिर खास करके ड्रोन्स वगैरह हो गया, तो ये सब बहुत लार्ज स्केल में प्रोवाइड कर रहा है, एंड इससे ना ये सारी चीजें और भी ज्यादा एस्केलेट हो रही हैं, ये वॉर आने वाले वक्त में वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशन को क्रिएट कर रहा है। तो यहां पर बहुत पॉसिबिलिटी बन गई है क्योंकि यहां पर कई सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व्ड हैं। तो यहां पर जो कुछ भी स्पेसिफिकली अभी वेस्ट, खास करके वेस्टर्न मीडियाज यहां पर कर रही हैं, तो ये डेफिनेटली उनका एक तरीका है बेसिकली टू कम इन बिटवीन इंडिया एंड रशिया रिलेशन, दिस इज व्हाट इज देयर एक्चुअली आइडिया। तो देखो यहां पे कई सारे अभी डेवलपमेंट्स आएंगे, खास करके इस महीने के आखिर में जब यूएनजीए में डेफिनेटली हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी संबोधित करेंगे, और इसके साथ खास करके ब्रिक्स की मीटिंग में जो भी अपडेट आने वाली है अगले महीने, तो इन सब के लिए आपको श्रीराम साइंस के चैनल के साथ में जुड़ना पड़ेगा। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।